बाबा ने कहा, राम कथा सुंदर हाथ की ताली है, संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं कथा सुनने से, अर्थात संशय समाप्त हो जाता है। देखिए, कथा भगवान की भक्ति है, कथा में रति भगवान की दूसरी भक्ति है। जिसकी कथा में रति है वो जीव धन्य है। ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। बा का प्रथम प्रश्न, निर्गुण सगुण क्यों भया? बाबा का तुरंत उत्तर, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध बे। अगुण अरूप अलख अज जो, भगत प्रेम बस सगुण सो। जो अगुण है, गुण रहित है, जो रूप रहित है, अमान मान रहित है, अरे बाबा, अजन्मा जिसका जन्म संभव नहीं है, केवल केवल भक्तों के बस, भक्तों के प्रेम बस सगुण स्वरूप धारण करके आ जाता। जो सही है संपदा वो हराई गई है, और जो झूठ है वो पकड़ाई गई है, यही ना? नाम लेने का समय नहीं साहब, भजने का समय नहीं, घूम घूम भजा रहे हैं हम लोग, तब भी आदमी भाज रहा है, भज नहीं रहा है, घूम घूम भजवाते हैं। भज ले प्राणी तू है ज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हरि नाम, भगवान नाम सार, नाम स्मरण से ही प्रेम बनता है। जिससे प्रेम होता है उसके नाम का स्मरण करते हैं, और जिसका स्मरण करते हैं उससे प्रेम हो जाता है, दोनों बात। भक्तों के प्रेम बस भगवान सगुण होते हैं। भगवान के पांच प्रकार के अवतार हैं, आप बार बार सुनते हैं कथाओं में, पूर्णावतार, अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्टावतार और महापुरुषावतार, कई बार आपने सुना। भगवान राम कृष्ण देव ये पूर्ण अवतार हैं भगवान के, भगवान परशुराम और भगवान बुद्ध ये आवेशावतार हैं, भगवान नरसिंहदेव भगवान के विशिष्ट अवतार हैं, भगवान कच्छप हयग्रीव वाराह मत्स्य आदि ये भगवान के अंशावतार हैं। सभी जगतगुरु जितने हुए भगवान, आदि शंकराचार्य तो भगवान के साक्षात स्वरूप से शंकर भगवान के, सभी सद्गुरु ये भगवान के महापुरुषावतार हैं। जिनकी वाणी हमको प्रेरित करे और हम भगवान की ओर रमे लगें, ये सभी लोग महापुरुषावतार, सबको वंदन करो, सबको प्रणाम। हमको तो रसूल भाई भी महापुरुषावतार लगते हैं। अभी आए तो बोले, बापू दो दिन हो गया भोजन नहीं किया, अच्छे नहीं लग रहा, घर में बैठा हूँ, क्या जीव सा। तो साउथ में जो कथा कराते हैं साहब, अद्भुत है वो महात्मा, क्या कहना, अलौकिक है, नाम जापक है। एक विनंती करता, जय जय। तो जिससे हम प्रेरित होकर भगवान में लगे वो महापुरुष अवतार, सबको प्रणाम।
बाबा ने सुनाया तो माँ ने कहा लेकिन ऐसे भगवान जो इतने प्रकार अवतार लेते हैं इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। बाबा भोलेनाथ बोले देवी उनका आदि अंत कोई आज तक जान नहीं पाया। आदि अंत को जान मति अनुमान निगम निगम माने वेद भगवान। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये निगम हैं। भगवान शिव का आगम अर्थात तंत्र शास्त्र ये आगम है। निगम ऐसा गाया क्या क्या गाया वो भी अनुमान से गाया। आप सबको कंठस्थ है गाइए मेरे साथ साथ गाइए। बिन पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई बिनु वास असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं जेहि इमि गावहि वेद बुध जाए धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत कौशल पति भगवान। कितना सरल बाबा ने समझाया आदि अंत नहीं बिना पद के चलते हैं बिना कान के सुनते हैं बिना नेत्र के देखते हैं बिना शरीर के स्पर्श का बोध प्राप्त करते हैं बिना मुख के पान करते हैं रसना नहीं रस लेते हैं। अरे अद्भुत है ये कौन है भगवान है तो और ये अरे ये विग्रह भगवान है वो निराकार भगवान है। भगवान के अनेक प्रकार विग्रहों का वर्णन है। काष्ठ विग्रह जगन्नाथ स्वामी विवेक जी आप जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए हैं हा हा धन्य हैं आप। जगन्नाथ स्वामी काष्ठ स्वरूप हैं प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान बद्री विशाल स्वरूप सरकार हैं। आप कभी बद्रीनाथ भगवान का विग्रह देखे हैं आप में से जो लोग बाबूजी आप गए हैं दर्शन किए ना वाह बद्रीनाथ भगवान आप बद्री विशाल सरकार के यहाँ पहुँच जाइए कोई विग्रह दिखता है क्या उसी में विग्रह है सरकार का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बिन पद चले सुने बिन कान सिद्धों का फोटो खींचिएगा तो फोटो ही नहीं आएगा। हम जो गिद्ध लोग हैं अपना अपना फोटो बेच रहे हैं सिद्धों का कैमरे में फोटो ही नहीं आता है और गिद्ध लोग न बेचे तो कौन लेगा कोई लेगा ही नहीं घरे रह जाएगा। सिद्ध माने जो आत्मस्वरूप परमात्मा में लीन हो गया है उसको आपका कैमरा कैद नहीं कर सकता नहीं कर सकता।
नाना भांति नहीं, एक भांति। सरकार अरूप है, अगुण अरूप। अरे तो रूप कैसे? भगत प्रेम बस। भागवतों की कल्पना है भगवान का स्वरूप ऐसा है, वैकुंठ में विराज रहे हैं श्रीधाम। हम राजा राम सरकार के उपासक, मेरे राजा राम ऐसे ही साकेत में विराज रहे हैं, श्रीधाम अयोध्या में विराजेंगे राजा राम अवध रजधानी। आप देखिए द्वारिकाधीश का स्वरूप है, सोमनाथ भगवान का है, श्रीनाथ स्वामी का, चार भुजानाथ का है, बांके बिहारी सरकार का है, परंतु बद्रीनाथ भगवान का नहीं है। प्रत्यक्ष देव हैं कलिकाल। यही सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति। देवी काशी जी में जीव के जाते जाते जिसका नाम उनके कर्णपुटों में देखकर मैं शोक रहित करता हूं, आदर पूर्वक जो मेरे भगवान का नाम ले ले, अरे भवसागर पार हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। किसके? अचानक भी जो नाम ले ले, अचानक कैसे भी निकल जाए, हे राम जी बचाओ, बेबस हूं, पाप नष्ट। प्रेम पूर्वक जो नाम गाले भव सागर पार हो जाता है। देवी मेरे राम जी परमात्मा हैं, वहां कोई प्रश्न नहीं। भगवान शिव के मधुर वचन सुनकर माता जी हर्षित हो गए। बाबा कोई अपराध हो तो क्षमा करिएगा। भगवान शिव ने थोड़ी डपट लगाई है, किस लिए? मां ने पूछा प्रभु सोई राम के अपराध। जो नृप तनय तब ब्रह्म किम, ये प्रश्न। तो यहां संशय, भगवान की कथा में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, विश्वास। कथा परमात्मा है, क्यों? परमात्मा की ही कथा है। और जिसको संशय होता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं देवी कथा सुनिए, जो काकभूषण जी ने गरुण जी को सुनाई। काकभूषण जी गरुण जी का संवाद तो मैं आगे कहूंगा, अब सुन हो राम अवतार चरित परम सुंदर अनंत। ये भगवान है, करने वाला है वो भी भगवान कर सकते हैं, जो नहीं करने वाला है वो भी भगवान कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम शक्य, सक्षम है प्रभु है, जो करते हैं भगवान ही करते हैं। जीव तो केवल बिगाड़ता है साहब, अब कदाचित किसी ने बना दिया तो 15 बार आपको कहेगा देखा आपने, आपका काम बना दिया। भगवान ने कभी आपसे कहा है? कभी नहीं कहा। सुबह शाम मिलते हुए कहेगा, आप नहीं चाहेंगे तब भी कहेगा, देखिए इनका मैंने काम बना दिया। मैंने जीवन में 2 काम नहीं सीखा, हारमोनिया बजाना और गाड़ी चलाना। क्यों? कोई ये न कहे कि प्रेमभूषण जी को मैंने हारमोनिया सिखाया है, और कोई ये न कहे कि हमने गाड़ी चलाना सिखाया। हमको गाड़ी चलाना नहीं आता है, भाई साहब चलाते हैं, अज्जू भैया, हमको नहीं आता, राजन जी भी चलाते हैं, हमको नहीं आता। हमको केवल और केवल कथा बांचना आता है और कोई काम। हमारे घर वाले कहते हैं आप किसी काम के नहीं,
अरे हमको तो पता ही है किसी काम के नहीं, यदि हम किसी काम के होते तो कथा कैसे होती? निश्चित रूप से एक काम के, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाए विधि राखे राम ताए विधि। जगत के लोग एक बार सिखा देंगे, कहते फिरते हैं। अरे आप आश्चर्य करेंगे, भगवान की ऐसी करुणा है मेरे पर, मैंने कथा भी किसी से नहीं सीखी। कोई माई का लाल नहीं कह सकता हमने प्रेम भूषण को कथा सिखाया है, भाई जी कोई नहीं कह सकता है। फिर कैसे सीखा आपने? इन गोस्वामी जी से सीखा है, इन्हीं से सीखा है, इसमें लिखा है जे गावहि यह चरित संहारे ते यही ताल चतुर रखवारे। पोथी जी का आश्रय करो आपको भी कृपा मिलेगी, केवल पोथी जी को, पोथी जी ही गाइए पीजिए खाइए ओढ़िए सब यही मा सब बा, इधर उधर कहीं कुछ नहीं। कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, जहां आप जाएंगे अरे साहब मत कहिए, पढ़िए बुझिए समझिए इसी में रहिए। किसी को कोई ज्ञान है, किसी को साधवाद का सिद्धांत है जैन दर्शन का, जैन धर्म का, हाथी को सात लोगों ने देखा, जिसने पूंछ पकड़ा कहा हाथी लंबा है रस्सी जैसा है, कान पकड़ा उसने कहा हाथी सूप जैसा है, टांग पकड़ी के हाथी ताड़ जैसा है, पेट पकड़ा तो कहा हाथी गुलंबर जैसा है, सूंड पकड़ा कहा ये तो हाथी मोटा बांस के पाइप जैसा है। हाथी है कैसा? हाथी हाथी जैसा है। इसलिए केवल पोथी का आश्रय करो, पोथी जी की कृपा बरसती है, अपने आप बरसती है। मिल गई अनुसार रहने से अपने आप प्राप्त हो जाते।